सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है, आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे बीच पे जिसका नाम है मैंड्रम बीच। तो अभी वहाँ हम चलते हैं, अभी तैयार वगैरह हो गया। शाम के 3 बज रहे हैं। शाम के टाइम इसलिए जा रहा है भाई क्योंकि सन जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे निकल रहा है। सन वेरी हॉट रह रहा है। दिन का टाइम जो है टेम्परेचर बहुत हाई रह रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट होके जा रहे हैं 3 बजे के आसपास। तो अभी चलते हैं मैंड्रम बीच और वहाँ पर दिखाते हैं वहाँ का क्या सिचुएसन है। अभी कोरोना टाइम है, आप समझ ही रहे हो, ओमिक्रोन ये सब चीज़ में ज़्यादा क्राउड नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो अभी मैं अपने रूम पे हूँ, यहाँ से 2-4 मिनट में वीडियो बनाने के बाद मैं निकलूंगा और पहुंचूंगा मैंड्रम बीच और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या सीन है, अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है, कितना क्राउड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है वहाँ पे, क्या फूड अवेलेबल है, क्या नहीं है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो को, तो मिलते हैं आपसे वहाँ बीच पे। गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, क्या नाम है, मैंड्रम बीच। अभी चल रहे हैं, एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, क्या यहाँ का माहौल है। अभी देखते हैं अंदर चल के। यहाँ पे एक छोटा सा नदी है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ता है बाया ब्रिज। तो ब्रिज भी दिखाते हैं, काफ़ी शानदार व्यू है उसका। तो आपको बस मिलते हैं वहाँ पर ब्रिज पर और इन्जॉय कीजिए कुछ शॉर्ट्स, कुछ व्यू और वहाँ का देखते हैं क्या सिचुएशन है, कितना क्राउड है, क्या है, क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम है तो बहुत सारे लोग आएंगे। और यहाँ से स्टेप आपको उतर के आना पड़ेगा रोड से, आप देख सकते हो। तो अभी जो स्टेयर्स है उसको हम लोग नीचे उतर के जा रहे हैं बीच पे, देखते हैं क्या सीन होता है वहाँ पे। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मैंड्रम बीच पे, जो कि काफ़ी शानदार है। कुछ यूट्यूबर्स का मैंने वीडियो देखा था इसके बारे में, क्या सीन था। उन्होंने वीडियो में बताया था कि ज़्यादा क्राउड नहीं है अभी कोरोना के टाइम में। तो यहाँ पे आज कुछ ज़्यादा ही क्राउड दिख रहा है मेरे को, क्योंकि जो यहाँ का क्राउड है भाई काफ़ी है आज। और यहाँ पे बहुत सारे फॉरनर्स हैं, इंडियंस हैं, लोकल्स हैं, क्या बोले भाई, काफ़ी ज़बरदस्त माहौल है यहाँ का, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है। तो आप देख सकते हैं यह मैंड्रम बीच, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट रिजॉर्ट्स हैं, आप यहाँ पे अपना डे आके स्पेंड कर सकते हो, काफ़ी इंजॉयबल है। और पीछे ओशन है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का, काफ़ी शानदार नज़ारा है। तो यही है मैंड्रम बीच। अभी चलेंगे, थोड़ा सा ड्रोन शॉट अपना उड़ाएंगे और दिखाएंगे आपको यहाँ का जो स्काई रील जो है कैसा दिखता है, एरियल व्यू। तो आप बने रहिए वीडियो में और इन्जॉय कीजिए। तो चलते हैं अभी थोड़ा सा कुछ इधर का शॉर्ट्स वगैरह लेते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट, कैफ़े और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप यहाँ पे अपना आके जो डे है पूरा एकदम अच्छे से स्पेंड करोगे हॉलीडे। और ये जो है काफ़ी फेमस है फॉरनर्स के बीच में, जो बीच है काफ़ी फेमस है फॉरनर लोगों के बीच में। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया और काफ़ी कॉम है, पीसफुल है, ज़्यादा मतलब शोर शराबा टाइप का नहीं है। और यहाँ पर कुछ म्यूज़िक वगैरह अभी चल रहा है रेस्टोरेंट में। तो यही था आज का जो है मैंड्रम बीच। और अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा हम लोग कुछ फूड वगैरह अपना ऑर्डर कर रहे हैं रेस्टोरेंट से, जो रेस्टोरेंट हम लोग जो सन बेड वगैरह लिए हैं उस रेस्टोरेंट का नाम है द एंड ऑफ वर्ल्ड। तो चलते हैं, देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और बाकी आपको वीडियो में बताते हैं। ओशन के साइड में हूँ, आप देख सकते हो कितना प्यारा है यहाँ पे जो ओशन है भाई, पूरी फ्लैट है, स्विमिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है अगर मेरे अकॉर्डिंग तो। यहाँ पे ज़्यादा हाई वेव नहीं आते हैं, बस छोटा मोटा वेव, आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना कमाल का नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह जो होते हैं आपको ड्रिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। और काफ़ी खूबसूरत सनसेट हो रहा है आज। और यहाँ पे जो है भाई, पहले जैसे ही मुझे पता था कि मैंड्रम बीच जो है फॉरनर के लिए, फॉरनर के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मिक्स अभी चल रहा है, इंडियन फॉरनर दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंट्री के, दोनों नेशन के पीपल आपको मिल जाएंगे देखने को। और काफ़ी शानदार माहौल है यार, ऊपर माउंटेन, नीचे ओशन,
बीच में अपना एंजॉय करने का प्लेस, जो कि आप एकदम मस्त तरीके से अपना डे यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। तो मुझे तो ये बीच काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लगा है मैंड्रम बीच। यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट में साउंड वगैरह का भी सीन है, यहाँ पे साउंड बज रहा है, आप चाहो तो डांस कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मतलब कि फुल्ली जो कहते हैं ना भाई, एकदम फाड़ू टाइप का है। तो अभी जो है शाम के 6:30 हो चुके हैं, तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी वीडियो शूट करें, ख़त्म करें और बाकी रूम पे जाएं और वहाँ पे अपना जो है कुछ वीडियो एडिट करें और आप लोग के बीच इसको अपलोड करें यूट्यूब पे और दिखाएं। तो बस यही था आज के वीडियो में, और जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें बताऊंगा। तो ये है नज़ारा यहाँ का कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं मैंड्रम बीच कितना शानदार है यार। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम, एकदम जो पीसफुल टाइप का होता है ना, उस टाइप का बीच है। और ये काफ़ी लंबा है यार, तकरीबन मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा लंबा है भाई। यहाँ से अगर चलोगे आप मैंड्रम पे एंटर करोगे, सीधे आप चलते चलते पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाओगे। तो काफ़ी शानदार है। अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, अगर डिनर वगैरह करना होगा तो यही करेंगे, नहीं तो फिर चलेंगे रूम पे किसी अदर रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट आपको मिलेंगे रूम पे, या फिर जब सनसेट हो जाएगा उसके बाद से आपसे मिलेंगे और सनसेट का आपको सीन दिखाएंगे, कितना परफेक्ट सनसेट होता है। तो बस आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यार एक आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से यार मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं और भी वीडियो बनाऊं और आप लोग के सामने प्रोवाइड करूं। सो गाइस, ये है नाइट व्यू यहाँ का मैंड्रम बीच का। पीछे साउंड बज रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग घर नहीं, अभी हम लोग रूम पे नहीं जा पाए हैं, तो आप देख सकते हो पीछे कितना शानदार लाइटिंग का व्यवस्था यहाँ पे है, एकदम खूबसूरत माहौल है। तो अभी चलते हैं यहाँ, आपको दिखाते हैं क्या सीन है यहाँ का। बहुत ही शानदार अभी जो नज़ारा यहाँ का है ना भाई, काफ़ी शानदार लग रहा है मेरे को, क्योंकि जो लाइट्स वगैरह और जो म्यूज़िक काफ़ी एकदम ब्यूटीफुल जो है। आप यहाँ पे अपना नाइट जो है ना, यहाँ पे रेस्टोरेंट सारा कुछ, बार वगैरह जितना कुछ भी है सारा, जो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अकॉर्डिंग, कभी कभी ये 2 बजे तक भी ओपन रहता है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी शानदार है यहाँ का सीन। तो यही है मैंड्रम बीच, बस यही है आज का जो हम लोग का जो डे था, जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था, वो कम्प्लीट हो चुका है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मैड्रम बीच कैसा लगा है, यहाँ का जो लोकेशन है, जो व्यू है, जो इन्वायरमेंट है और जो क्राउड है, वो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यार आप लोग अगर लाइक से सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा सा यार उत्साह, प्रोत्साहन जो कहते हैं ना भाई, सपोर्ट मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। तो यही था आज के वीडियो में, तो बस यहीं पे अपना वीडियो को हम विराम देते हैं, मतलब एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।